वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और मैं अभी ब्लॉग चालू कर रही हूँ। सुबह 10 बजे मैं जस्ट नहा के आ गई हूँ। और मैं जब भी फोन हाथ में लेती हूँ ना व्लॉगिंग के लिए, तब इसको मेरी याद आती है, वरना इसको मेरी याद नहीं आती बिल्कुल भी। देखो कैसे है कि बच्चे, मतलब एक मिनट दिखाती हूँ। रिधान, लुक एट माय बेबी, लुक एट माय बेबी। अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे बालकनी नहीं, मतलब अपना खिड़की में, तो इसको आना है। मैंने अभी वो ग्लास ओपन कर दिया, इसलिए उसको बाहर जाना है अभी। वन सेकेंड, उसको उतार देती। गो। अभी वो यहाँ पे खेलेगा 10 मिनट। रिधान, रिधान से हाय। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि आज फ्राइडे हम लोग दोनों बाहर घूमने जाने वाले हैं, तो शाम को तो व्लॉग करने वाली थी, बट मैंने सोचा अभी दिन का क्या व्लॉग करूं, तो थोड़ा बहुत यू नो, मैं कब से सोच रही थी कि मैं व्हाट आई ईट इन अ डे ये व्लॉग मैं थोड़ा इंक्लूड करूं, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ द टाइम ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या खाती हूँ वो तो मैंने आज तक कभी शेयर नहीं किया। और ऑब्वियसली आधी इन्फॉर्मेशन जान के आप क्या करोगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो करती है बट खाती क्या है ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो मैं सोचा आज मैं दिन में भी थोड़ा थोड़े से क्लिप्स डाल देती हूँ जहाँ पर मैं शूट कर सकूँ कि मैं व्हाट आई ईट इन अ डे। तो जैसे कि अभी 10 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट बना के आके फिर आपसे बात कर दूँ। ऑल्सो डू नॉट माइंड माई वॉइस, उसकी सर्दी रिधान को अभी थोड़ी सी कम हो गई है, बट अभी मेरे को आ गया है, मेरा थ्रोट बहुत ज़्यादा दुख रहा है और थोड़ी सी रनी नोज है। तो अभी ब्रेकफास्ट टाइम, उसके लिए मैं बना रही हूँ एग वाइट ऑमलेट। मैंने उसके लिए लिया है 2 एग वाइट एंड 1 होल एग। और अब मैं पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, मैं इधर क्या बात कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अब मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, अनियन, टमेटोज एंड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, जो भी वेजीज अवेलेबल रहते हैं वो यू कैन पुट। मैं इसमें यूजुअली मशरूम्स डालती हूँ बहुत ज़्यादा, बट अभी मशरूम्स मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास जो भी सब्जी है मैं उससे काम चला रही हूँ। तो ये सारी सब्जियों को पहले सॉटे कर लेती हूँ। उसमें सॉल्ट डालूंगी बिकॉज आई लाइक माई वेजीज टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। इफ यू डोंट लाइक इट, यू कैन टोटली स्किप। और ये मेरा मज़ेदार ऑमलेट रेडी है। ब्रेकफास्ट ऐसा हो तो मज़ा खाने का बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। लेट मी टेस्ट। बहुत अच्छा लगता है ये। आई विश मशरूम्स होते मेरे पास, बहुत अच्छा बनता और ज़्यादा, बट ठीक है जो है उससे काम चलाते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि डाइट करनी है, वेट लॉस करना है, बट वो महंगी सब्जियां कौन लेगा, और यू नो हमेशा वी कांट अफोर्ड टू बाय बेल पेपर्स एंड ब्रोकली एंड ये वो। तो मैं बता रही थी वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, घर पे जो भी अवेलेबल है उससे आप बहुत कुछ अच्छा खाना बना सकते हो जिससे कि वेट लॉस होता है। और अपनी जो इंडियन सब्जियां है वो भी सारी डिश में यूज़ करते हो जो आप कर सकते हो, जो आप बाकी के डिश में यूज़ करते हो, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। फाइबर जाने से मतलब है, वेजीज अंदर जाने से मतलब है, तो वो इंडियन हो या बाहर की फॉरेन की हो। तो मैंने चेंज कर लिया बिकॉज मेरा टी शर्ट ख़राब हो गया, और ज़िंदगी में पहली बार शादी के बाद कुणाल ने ट्राई किया मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। बाय सरप्राइज़ आई मीन कि उसने एक छोटा सा जेस्चर किया मेरे लिए, खाना भेजा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो वो भी वो नहीं कर पाया, ही कॉल्ड मी, ही इज लाइक आया क्या पार्सल, मतलब क्या पार्सल, तो नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब बता क्या पार्सल, नहीं तेरे लिए कुछ तो पार्सल भेजा, वो आया क्या। आई सेड क्या भेजा, तो कुछ नहीं, तो आके आने के बाद देख ले। तो मैंने बोला कि खाना ही होगा, बोलते हाँ खाना भेजा, मतलब डोनट्स होगा, बोलते हैं हाँ डोनट्स भेजा है मोडी से। मैंने बोला लाइक कुछ तो सरप्राइज ऐसी चीज़ तुझे आती है देने के लिए, लाइक कुडंट यू जस्ट गो टू योर जोमेटो एंड चेक कि डिलीवरी आई कि नहीं। मुझे ये पूछ रहा है, मुझे सरप्राइज रहा है, मुझे पूछ रहा है डिलीवरी आई कि नहीं। आई मीन कुणाल एंड सरप्राइजेज डू नॉट वर्क टुगेदर। ही कैन गो अलॉन्ग विथ मी एंड बाई मी वॉट एवर आई वॉन्ट टू, बट सरप्राइजेज और उसका बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, वो नहीं पचा पाता। वो मुझे आके बोल ही देता है जो भी है, जो भी प्लान है। मेरे बर्थडे, हर बर्थडे का ये ऐसा ही होता है, बट ठीक है
आई कीप द थॉट इन माइंड, जो भी उसने जो जेस्चर किया वो मैं अपने दिमाग में रखूंगी कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, नहीं सेंड मी डोनट्स। तो ये कितना स्टूपिड चीज़ है कि मैंने आज ही के दिन बोला कि मैं अभी प्लान करती हूँ एंड आई विल शूट व्हाट आई ईट इन अ डे करके, एंड दैट इज़ अ मास्क, डोंट माइंड दैट, आई विल शूट व्हाट आई ईट इन अ डे करके, एंड मैं थोड़ा अच्छे रेसिपीज डालूंगी सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड कि मतलब घर के खाने में भी आपको बहुत ज़्यादा डाइट फूड होता है, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आपको सब अच्छे अच्छे एकदम एक्सपेंसिव चीज़ें खानी चाहिए डाइट के लिए। और आज के दिन उसने डोनट भेज दिया, लाइक क्या टाइमिंग है, बट ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ रियल वे ऑफ ईटिंग जो मैं करती हूँ। मतलब मैं किसी चीज़ के लिए खुद की बॉडी को क्रेव नहीं करवाती हूँ। शुगर मैं खुद को इफ़ आई फील लाइक तो आई अलाउ माई सेल्फ 1 tablespoon ऑफ शुगर अ डे। आई डोंट नो राइट है रॉन्ग है, कोई लोग उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज है, बट आई फील कि मैं जितना अपनी बॉडी को उससे दूर रखूँगी मेरी बॉडी उतनी ज़्यादा वो चीज़ डिमांड करेगी एंड इन दी एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्कआउट। तो मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ फिर एक साथ, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। तो मैं अभी आया है डोनट, तो ऑब्वियसली मैं पूरा का पूरा डोनट नहीं खाऊंगी, मैं उसका हाफ डोनट खाऊंगी, और जहाँ पे मैं 2 रोटी खाती हूँ आफ्टरनून में वहाँ पे मैं 1 रोटी खाऊंगी। दैट इज़ दी ओनली चेंज दैट आई एम गोइंग टू डू, एंड आई एम गोइंग टू कंज्यूम माई फूड, आई एम गोइंग टू कंज्यूम एक्स्ट्रा कैलोरीज, बट स्टिल शो यू अ रियलिस्टिक वे ऑफ लूजिंग वेट। गाइज ये पहला ऐसा वोटा ईटन अ डे होगा जहाँ पे कोई वेट लूज करने के लिए डोनट भी खाना बोल रहा है, बट मैंने खा लिया, मैंने खाना भी खा लिया। और हाँ भाई रियलिस्टिक है, ऐसा नहीं है कि तुम सब क्विट करके खाओगे नहीं कुछ और ऐसे ही रहोगे, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो वेट लॉस तो करना है, ऑब्वियसली धीरे धीरे करना है, बट सब कुछ खाना है। तो अभी मैंने मेरा 1 spoon ऑफ शुगर जो मैं रोज़ खाती हूँ उससे तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही डोनट खा लिया, वो तो ज़्यादा ही स्पून शुगर है। तो अभी मैं जो कॉफ़ी में शुगर यूज़ करती हूँ तो उसकी जगह आई गो एंड यूज़ मेरा 0 gram शुगर का, 0 sugar वाला क्रीमर मेरी कॉफ़ी में। तो मैं सोचूँ आज ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीऊँ, वो वाली कॉफ़ी पीऊँ, एंड आई विल शो यू गाइस हाउ आई मेक दैट कॉफ़ी। और ऑल्सो अभी थोड़ा सा बारिश वाला मौसम लग रहा है तो थोड़ा सा ऐसा चिप्स खाने का मन कर रहा है, पर चिप्स तो नहीं खाऊंगी, आई विल गो एंड मेक सम पॉपकॉर्न। तो एक्चुअली ये जो क्रीमर है ना उसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा डार्क है, तो आप नॉर्मल कोई भी कॉफ़ी में डालोगे तो आपको कॉफ़ी का फ्लेवर कम और ये क्रीमर का ज़्यादा आएगा। मैंने जब ये क्रीमर लाया था ना तो मैंने जो वीडियो देखा था YouTube वाला, तो उसमें उसने 2 tablespoon भर के ये क्रीमर डाला था कॉफ़ी में, और मैंने वो डाल दिया और मैंने उस सिद्धि को भी टेस्ट करवाया, तो वो दिन और आज का दिन है सिद्धि ने क्रीमर खाना यूज़ करना बंद कर दिया कॉफ़ी में, बिकॉज वो टेस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग आई वनीला वाले की
कि वो अब मतलब वो स्मेल भी आती है ना तो उसको इरिटेट हो जाता है, तो वैसा नहीं करना है। क्रीमर मैंने अभी आपने देखा कितना डाला, लाइक लिटरली 1/4 टेबल स्पून मैंने ये यूज़ किया क्रीमर। और मैंने ये जो कॉफ़ी यूज़ की है ना, ये चाय लाटे फ्लेवर है, तो इसमें इफ़ यू पुट दैट क्रीमर थोड़ा सा, तो क्रीमर का टेस्ट नहीं आता, चाय लाटे का फ्लेवर आता है, विच इज़ यमी। यू वॉन्ट बिलीव मी, ये बिल्कुल भी मतलब स्पॉन्सर तो खैर है नहीं मेरे पास, बट इफ़ इट इन केस जस्ट मैं बस बोल रही हूँ कि ये जो कॉफ़ी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई मीन चाय लाटे इज़ द बेस्ट फ्लेवर इन्वेंटेड इन कॉफ़ी। ओवर स्टेटमेंट हो गया वो, बट ठीक है। बट वो बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर यूज़ करती हूँ और थोड़ा कम क्रीमर यूज़ करती हूँ। उससे मेरा कॉफ़ी स्वीट भी बनता है और मुझे जो फ्लेवर चाहिए वो भी मिलता है, और ज़ीरो शुगर वो भी हो जाता है। अब पॉपकॉर्न हो रहा है, आपको आवाज़ आ रहा है कि नहीं पता नहीं, पुट 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 हो रहा है, तो ऑब्वियसली इतने सारे पॉपकॉर्न मैं अकेले नहीं खाऊंगी, हम तीनों बैठे हैं खाने के लिए। आई है, सिद्धि है और मैं हूँ। रिद्धु अभी तक सोया है, डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं पता नहीं, बिकॉज रिद्धु इज़ फीलिंग वेल नाउ, तो पता नहीं, देखते हैं जाना है कि नहीं डॉक्टर के पास। तो हम रात को ना डिनर पे जाना है कि नहीं वो भी पता नहीं, अगर गई तो मैं सोचूं मैं यही व्लॉग में वो डाल दूं या मैं अलग से डालूं, क्योंकि ये तो व्हाट आई ईटन अ डे वाला तो बना ही नहीं है, तो मतलब उसका कचरा हो गया पूरा। तो और अभी मैं डिनर भी इसमें ऐड करूंगी तो बोलेंगे बाहर का ही तो खा रही है सुबह का, पता नहीं क्या व्हाट आई ईटन अ डे शेयर कर रही है, पता नहीं सच्ची पतली हुई भी है या नहीं यार, हमको ही बता रही है और हम ये सब फॉलो करके हम तो पतली। गाइज मैं आपसे बात कर रही थी और देखो मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया मेरे पॉपकॉर्न का, ये अच्छे है, ये बैच अच्छा है और ये पूरे जल गए। बोल मैं खाना अच्छा बनाती हूँ कि नहीं? हाँ खाना तुझे अच्छा लगता है कि नहीं मैंने बनाया हुआ? लगता है अच्छा लगता है। कौन सा बेस्ट डिश है जो मैं बनाती हूँ? बेस्ट एक डिश, योर फेवरेट डिश मेरे हाथ का बना। सबको लग रहा होगा मेरी सास खड़ूस है, वो खड़ूस नहीं है, वो ऐसी है, बता नहीं रही अभी, वो मेकअप करके आएगी तो फिर वो वीडियो में बोलेगी, अभी नहीं बोल रही है, मेकअप करके आना है फिर लू वीडियो में। बता मेरे को एक एक गोश्त एक कुछ इधर डिश माजी मी बनो ले लिया। आशीष जी तुला आवड़ते आणि कोलंबी भात नाही आवडत, बिर्याणी नाही आवडत, चिकन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, चिकन खाती नाही हो बोलते, चिकन बिर्याणी, प्रॉन्स बिर्याणी, प्रॉन्स बिर्याणी उसको अच्छी लगती है मेरे हाथ की। खाना अच्छा बना लेती हूँ ना मैं, मस्त मस्त है, देखा कड़ूस नहीं है मेरी सास। अभी सिद्धि को थोड़ा परेशान करती हूँ, काम कर रही है बट तो भी आ रही है, लोग आते नहीं है मेरे ब्लॉग्स में, थोड़े आने चाहिए। बोल एक डिश बता जो तेरी फेवरेट है, मैं बनाती हूँ, बता जल्दी। चिकन क्या, चिकन का क्या, खाएपन चिकन का एक डिश बता कोई अच्छी वाली जो अब बोल की अब भी वही नहीं बना। बिरयानी, चिकन, दोनों भी बिरयानी वाले है, तो रेसिपी भी बिरयानी की कभी तो शेयर करनी पड़ेगी, करती हूँ कभी शेयर। और आ गए हैं बाबा, हाय। और बाबा ने बहुत सारा खाना लाया, आई विल शो यू व्हाट ही इज बॉट। कितनी एक्साइटमेंट होती है अभी भी खाना देख के। खारी टोस्ट और क्या फ्रिज में रखा सिद्धि? खरवस। और ये क्या है? ओ बनाना केक, कभी खाया नहीं मैंने बनाना केक। Oh, all of these seeds, super seeds. I love to eat this. और ये अपना wafers and everything, toast, paper, ये सब खाने का जितना लाओ उतना कम है, इतने लोग घर पे तो ये तो खा ही जाते हैं हम लोग। तो दिसत असतं त्याचा फेस तो बघ कोणाला बघ। हाय कॉल, हेलो,
तो अभी हमारा थोड़ा सा फैमिली टाइम, हम लोग अभी बाहर सब बैठेंगे थोड़ी देर एंड फिर हम लोग जा रहे हैं बाहर। एंड आज थोड़ा चेंज है, आज सिर्फ मैं और कुणाल नहीं जा रहे हैं, आज हमारा एक बड़ा ग्रुप जाने वाला है डिनर के लिए। तो मैं वो एक अलग सा व्लॉग बनाती हूँ बिकॉज ये इसमें इतना सब कुछ आएगा नहीं। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय।